वेलकम बैक टू द चैनल, का स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही काम का सलूशन लेके आया हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो आयरन के बीट के रिलेटेड है। काफ़ी जो रिपेयरिंग करने वाले भाई हैं उनके कंप्लेन होते हैं जो आयरन के बीट हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं 101% बोल सकता हूँ, 80% लोगों को पता ही नहीं है कि आयरन का जो बिट है वो कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर आप आयरन यूज़ करते हैं और अगर आप उसे ज़्यादा टाइम चालू रखते हैं तो जो आयरन का बिट है ये डार्क हो जाता है। ठीक है, ये पूरा डार्क हो जाता है और डार्क होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि ये शोल्डिंग नहीं लेता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि फाइल लेते हैं और उसे घसना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आयरन के बिट की लाइफ ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, फिर वो उसे चेंज करते रहते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं जो आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, तो गाइस हमें चाहिए एक स्पंज। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, ब्लू कलर का है ये, तो हमें चाहिए एक स्पंज। ठीक है, इसे हमें पानी में भिगो देना है और ये जो स्पंज है थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ठीक है, एकदम ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट है तो भी चल जाएगा लेकिन अगर ये स्पंज थोड़ा हार्ड है तो और भी अच्छा होगा। तो इसे हमें पानी में भिगो देना है और भिगोने के बाद कुछ नहीं करना है, ना हमें फाइल चाहिए ना कुछ, बस आयरन का बिट लो। जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये काला हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको शोल्डिंग लगाऊंगा तो ये शोल्डिंग लेगा नहीं, तो इस स्पंज को हमें बस एकदम प्यार से, ना घसना है ना कुछ, एकदम प्यार से ऐसे करोगे, आप देखिए शाइन लौट आया, देख रहे हो बिट जो है ये चमक रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बेसिक सोल्यूशन है ये, बहुत लोगों को नहीं पता और इससे आपको कभी बिट के चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी बिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं महीनों से चला रहा हूँ, मेरा अभी तक बिट ज़रा भी ना घसा है ना कुछ हुआ है, एकदम परफेक्ट शेप में है। और दूसरी गलती, लोग एक ही गलती नहीं करते, दूसरी एक और गलती करते हैं कि जो अपना आयरन है अगर आपने स्विच चालू रख दिया तो उसे आप चालू ही रख देते हैं, उससे एक और प्रॉब्लम होती है कि जो आपका टेम्परेचर जो आपने सेट करके रखा है अगर आप ज़्यादा टाइम चालू करते हो तो उससे वो डार्क हो जाता है और वो अंदर ही अंदर हीट होता रहता है, जिसकी वजह से जो उसका मेटल है वो अंदर से थोड़ा खोखला हो जाता है, आप देखोगे पपड़ी जैसे निकलने हो जाती है। तो अगर आप आयरन यूज़ कर रहे हो तो आयरन जब आपका यूज़ करके हो गया है तो गाइस आयरन को बंद कर दीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई चार्जिंग पिन बनाने के लिए आया है, कुछ भी काम कर रहे हो, ए टू जेड कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपका वो काम हो गया है करके तो उसे आप आयरन को बंद कर दीजिए, आप उसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे चालू मत रखिए। अगर आप चालू रखोगे तो भी आपका बिट ख़राब हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसके रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ और जो ये सब काम करते हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे मोटे ट्रिक्स के वीडियो लेके आऊँगा और कुछ सोल्यूशन रहेंगे तो वो अपने तरफ से शेयर करूँगा मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, पीस।